हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ क्यूकम्बर जल की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, गर्मियों में जो खीरा होता है बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, तो इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात करूँ खीरे की, तो खीरा हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे बोलूँ अमृत की तरह होता है। जी हाँ, क्योंकि खीरे में इतने सारे गुड़ होते हैं जो हमारे न सिर्फ स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बात करूँ खीरे की खूबियों में, तो मैं आपको बता दूँ खीरे में बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे विटामिन की बी सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिका, मतलब इस तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप खीरे को अपने स्किन पर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को ये ठंडक देता है। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों में सन टैनिंग हो या सनबर्न की प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको बहुत हद तक रिलीफ करता है। पफिनेस हो, अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल हो, उसको भी ये बहुत हील करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। फेस पे अगर आप ऐसा मास्क यूज़ करते हैं, ऐसा टोनर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं, ऐसे आप बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हेयर पैक, पेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं खीरे के कि अगर मैं इसे यूज़ बताने बैठूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, मैं आपको इसको बनाना कैसे ये बताती हूँ। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई चलिए दोस्तों, देखते हैं बढ़िया सा ग्लो सीरम को या बढ़िया से क्यूकम्बर जेल को मैं बनाना कैसे है। तो दोस्तों, क्यूकम्बर जेल बनाने के लिए आपको लेना है क्यूकम्बर। जी हाँ, मैंने एक मीडियम साइज़ क्यूकम्बर लिया है, आप चाहे तो एक से दो भी ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसे काट लिया है पीसेस में। अब हम इसे किसी मिक्सर के जार में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे, या आप चाहे तो हाथ से कद्दूकस करके भी इसका जो रस है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया और आप देख सकते हैं हमारा फाइन सा पेस्ट बन करके तैयार है। अब हमें इसे कपड़े से या किसी छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। दोस्तों, मैंने इसे छान लिया और आप देख सकते हैं हमारा फ्रेश क्यूकम्बर जूस बन करके तैयार है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हमारा क्यूकम्बर जूस बन के तैयार हो गया। आपको एक बोल लेना, उसमें आपको एलोवेरा जेल डालना है। जी हाँ, हम इसमें एलोवेरा जेल लेंगे एक से दो चम्मच के करीब। जी हाँ, ये मेरा एक से दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल है, थोड़ा सा और ऐड करें। जी हाँ, अब हम इसमें क्यूकम्बर जो मैंने बनाया है, क्यूकम्बर जूस, उसको ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे जेल फॉर्म में या सीरम फॉर्म में भी रख सकते हैं, तो बस इसे हम डाल करके मिक्स करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्यूकम्बर जेल है वो बन करके तैयार है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो बिल्कुल मार्केट जैसा क्यूकम्बर जेल बन करके तैयार हुआ है हमारा। अब हम इसमें जो तीसरी चीज़ डालेंगे वो है ये मैरिट पीसीओ का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। जी हाँ, मैं इसमें ये एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग के लिए। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों में भी हमें मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, तो इस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी कुछ बूंदें हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल की। तो दोस्तों, कुछ बूंदे जैसे मैंने आपको बताया, तो बस मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा बढ़िया सा क्यूकम्बर जेल बन करके तैयार है, और इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डे नाइट में एज अ डे क्रीम या नाइट क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप रात में लगा के सोएंगे और आप जब मॉर्निंग उठेंगे आपका फ्रेश बिल्कुल ग्लोई सा लगेगा। आपके फेस पे कहीं भी आपको ऑयल या कहीं भी कुछ भी पफिनेस आपकी जो आइज़ के अराउंड होती है वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। डार्क सर्कल भी आपके से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये क्यूकम्बर जेल है। क्यूकम्बर हमें फ्रेशनेस ला के देता है, तो आपके फेस पर डार्क सर्कल है या अनइवन स्किन टोन, तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर। दोस्तों, लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको इस तरीके से अपने फिंगर को लेना है, जैसे इसमें लगाया, अब आपको इसी तरीके से इसे सर्कुलर मोशन में फेस की मसाज कर लेनी। जी हाँ, और आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे इसे लगाने के बाद कैसा ग्लो आया। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, उसको बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगा, और इसको लगाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा ठंडक मिलेगी। आप इसे बना करके आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, हफ्ते 15 दिन तो ये आराम से चल जाएगा। और तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का क्यूकम्बर जेल पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मैं हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।